दासनी तहसील क्षेत्र के दौरे में अग्निशमन भवन का लोकार्पण करने आए सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर एवं जिला अधिकारी रमेश रंजन से पराग डेयरी में बनी अस्थाई गौशाला पर चल रही खबरों पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ये गाय जो ले जा रहे हैं आप किस तरह से क्या है? गाय ले जा रहे हैं घर अपने रखने के लिए पालने के लिए। कहाँ से लिए? यहाँ से लिए पराग डेयरी गौशाला से। गौशाला से किस तरह की गाय है ये? अभी बच्चा दिया है इसने दो दिन पहले। आप ले जा रहे हैं? हाँ हम ले जा रहे हैं। एक ही ले जा रहे हैं? हाँ एक ही ले जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है ले जाने में गाय पालेंगे? अच्छा लग रहा है इसीलिए तो ले जा रहे हैं। गाय तो पालते हैं हम, गाय पालते हैं रखते हैं। अभी गाय और भी है हमारे घर पर। ये लिखा पढ़त करके ले जाते हैं आप? हाँ लिखा पढ़त करके। जो पराग डेयरी के अंदर गाय आती हैं वो लोगों की छोड़ी हुई बीमार असहाय लाचार उस तरीके की गाय को हमारा प्रशासन लाकर पराग डेयरी के अंदर रखता है और वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम है जो उनकी देखभाल करती है। लगभग 20 से 25 दिन का चारा एडवांस में वहाँ इकट्ठा किया जाता है ताकि गायों को समय समय पर मिल सके। अगर ऐसी कोई बात जो आप कह रहे हैं वो अगर मेरे संज्ञान में लाई जाएगी तो उस पर हम लोग तुरंत से तुरंत एक्शन लेंगे और एक्शन लेने की बात करेंगे और व्यवस्थाओं को ठीक कराने का सार्थक प्रयास करेंगे। आप एक बार वहाँ जाके देख ले में क्या? मैं माननीय मंत्री जी जब आए थे अपने प्रजापति जी धर्मवीर प्रजापति जी आए थे और वो उस गौशाला के निरीक्षण के लिए गए थे तो हम सारे लोग उनके साथ थे और गौशाला का निरीक्षण किया था। अगर कोई भी बात आपको ऐसी लगती है जो हमारे संज्ञान में लाई जानी चाहिए तो वो विशेष बात आप ला सकते हैं और उस पर हम लोग काम करेंगे। मैं बता रहा हूँ, मीडिया को अंदर जाने देखिए, जो सासनी की गौशाला के बारे में रूमर सुन रहे, रूमर 100% गलत है। उसमें पूरी टीम लगी हुई है, डॉक्टर की टीम डेली पहुँच रही है। लगभग 1500+ वहाँ पर गौवंश पाए जाते हैं। किसी की तबीयत ख़राब होगी तो नेचुरल कोर्स में डेथ है। बाकी वहाँ पर चारे सूखा चारा हरा चारा दोनों की मोर देन सफिशियंट व्यवस्था की गई, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। थैंक यू।